एसीपी फाउंडेशन रिसर्चर योशिहिरो ताकेनाका के ऑफिस में एक छोटा कंटेनमेंट कैप्सूल है जिसमें ऐश भरी हुई है। ये न्यूट्रलाइज्ड SCP-1762 के अवशेष हैं। इस राख में कोई खतरा नहीं है। ये ना तो कटेगी ना जलेगी और ना ही आपके माइंड को कंट्रोल करेगी। लेकिन SCP-1762 की कहानी काफी दुखद और ट्रेजिक है। ये उन सभी लोगों के दिल और दिमाग पर छाई हुई है जो इसके संपर्क में आ चुके हैं। ये सब एक सिंपल छोटे से बॉक्स से शुरू हुआ था जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ था, हेयर पी ड्रैगन्स। वो बॉक्स तो दिखने में कुछ स्पेशल नहीं था, एक साधारण सा कार्डबोर्ड का बॉक्स, 32 cm x 20 cm x 26 cm, उस पर सिल्वर कलर से पेंट किया गया था। ये छोटा सा मैसेज ब्लैक परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ था। ये फाउंडेशन एजेंट स्कॉट थॉमस के दरवाजे पर पाया गया था। जब ये कंफर्म हो गया कि ये कोई बॉम्ब, एंथ्रेक्स या कोई खतरनाक अनोमली नहीं थी, तो इसे सुपरवाइजर्स को हैंड ओवर कर दिया गया था। अब ये बन गया था योशिहिरो ताकेनाका का लिटिल पेट प्रोजेक्ट। सेफ क्लास एसीपीज किसी भी ओवरवर्क फाउंडेशन साइंटिस्ट के लिए एक ट्रीट की तरह होते हैं। ये बॉक्स जिसे SCP-1762-1 कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बॉक्स के अंदर जो है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको ये खाली मिलेगा, लेकिन जब बॉक्स खुद खुलता है तो ये कहानी एकदम अलग होती है। कभी कभी जब ये बॉक्स खुलता है तो इसके अंदर से काला धुआं निकलता है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। इसके लगभग 20 सेकंड्स बाद उस बॉक्स के अंधेरे से SCP-1762-2 बाहर आता है। 1762-2 उस बॉक्स के अंदर रहने वाले जीवों को कहा जाता है जो कि ड्रैगन्स हैं। ईस्टर्न, वेस्टर्न, छोटे, बड़े, कई सारे रंगों में मौजूद हैं ये ड्रैगन्स। ये कामी पेपर से बने हुए हैं। ये ओरिगामी स्कल्पचर्स जैसे लगते हैं। ये बड़े ग्रुप्स के साथ उड़ते हैं और आसपास के इंसानों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। फिर ये छोटे पेपर ड्रैगन्स अपने कंटेनमेंट चैम्बर में 3 घंटे तक उड़ते रहते हैं और सभी को खुश करते हैं। बॉक्स के अंदर जब फिर से अंधेरा छाने लगता है तो ड्रैगन वापस अपने घर चले जाते हैं। वो धुएं के बीच से उड़कर बॉक्स में चले जाते हैं और लिड बंद हो जाते हैं। ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था कि बॉक्स कौन सी डेट को खुलेगा। ये किसी भी एक्सटर्नल लॉजिक पर डिपेंड नहीं करता था। कभी कभी ये बॉक्स इस दुनिया और किसी दूसरी दुनिया जिसे फैंटेसी कहा जाता है उसके बीच हब ऑफ कम्युनिकेशन की तरह भी काम करता है। कई तरह के मैसेजेस बॉक्स की लिड पर अपीयर हो जाते थे, लेकिन ये कम्युनिकेशन वन वे ही होता था। मैसेजेस को बॉक्स के थ्रू फिर से पास करना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता था। फाउंडेशन के स्टाफ फैंटेसी की इस दुनिया को केवल ऑब्जर्व कर सकता था, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो फिर इस पर्टिकुलर एसीपी को ट्रेजिक क्यों माना जाता है? हम अभी इस सवाल का जवाब देने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपको एक बार जो पता चल जाता है आप उसे चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो अब हम एक साल के ऐसे समय के बारे में जानेंगे जिस दौरान कई सारे स्ट्रेंज और दुखद इवेंट्स हुए जिन्हें द जैबरवॉकी इवेंट कहा जाता है। यह ऐसा इवेंट था जिसके बाद हेयर बी ड्रैगन्स को सेफ से हटाकर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आपने देखा कि बॉक्स खुलने के बाद SCP-1762 रिटन मैसेजेस के जरिए फाउंडेशन स्टाफ से कम्युनिकेट करता था। साइट पर आने के बाद बॉक्स का पहला मैसेज था, आपने हमें ढूंढ लिया है, थैंक यू, हमें एक दूसरे से मिले कितना समय हो गया, पीस अभी भी बरकरार है। जॉइंट्स और बहिमोस ने अपनी बात रखी और पिछले ऑर्डर के बाद से उन्होंने कोई दिक्कत नहीं क्रिएट की। हमने आपको मिस किया, आपकी फैमिली कैसी है, क्या आपको कभी भी आपका रूम पता है, आपका स्वागत है। फिर फैंटेसी में रहने वाले जीवों की तरफ से एक दूसरा मैसेज आया जिसमें कंफ्यूजन साफ समझ आ रही थी, आपकी दुनिया कितनी ज्यादा बदल गई है, इस दुनिया में हम कितने अजीब लग रहे हैं, फैंटेसी में तो हम काफी बड़े हैं, या शायद आपकी लंबाई बढ़ गई है। फैंटेसी तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही है, हम होप करते हैं कि आप जिसे पहले हमसे मिलने आते थे वैसे अभी भी आएंगे। हमारा रूम तो पहले जितना ही बड़ा है, लेकिन शायद आपका छोटा हो गया है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तो रूम्स को मेंटेन करके रखना था, प्लीज उसे रीस्टोर कर दीजिए। इवेंट के अगली स्टेज में चीजें और ज्यादा बदतर हो गई। बॉक्स खुला और उसमें से 21 ड्रैगन्स बाहर निकल गए, लेकिन इस बार वो उड़े नहीं बल्कि जमीन पर धीमे धीमे चलने लगे। उन ड्रैगन्स की तरफ से ये मैसेज आया, दोस्तों हम आपसे माफी मांगते हैं, हम फैंटेसी में काफी टाइम से हैं और हमारे अलावा जो बाकी है अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है, हम पीस रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सभी की खुशी के लिए प्लीज रूम को जल्दी से रीअपेयर करवा दीजिए, हम जानते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है फाउंडेशन साइंटिस्ट्स को फिक्र होने लगी, उन्हें नहीं पता था कि यह मैसेज किसे रेफर कर रहा था।
या फिर वो फैंटेसी में रहने वाले इन ड्रैगन्स की मदद से कैसे कर सकते थे। चीजें और भी खराब होने लगी। अगली बार केवल 10 ड्रैगन्स कंस्ट्रक्शन पेपर से बनी हुई बॉल्स के साथ बाहर आए। इनके साथ मैसेज था, जॉइंट्स बेवकूफ थे, रूम उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। दोस्तों हमें माफ कर दीजिए, हम होप करते हैं कि हम आपसे मिल पाएंगे, लेकिन हमारी खुशी के लिए अभी समय कम बचा है। दुखद, पर इस मैसेज में सच लिखा था। अगली बार जब बॉक्स खुला तो केवल 5 ड्रैगन्स बाहर निकले। अपना मैसेज देने के बाद वो सीधे बॉक्स में वापस चले गए। टेंशन बढ़ रही है, फैंटेसी डार्क होती जा रही है। सर्पेंट्स और हाइब्रिड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जॉइंट्स और एल्व्स एंट्रेंस बनाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली स्टुपिड है, हम होप करते हैं कि ये सच ना हो। हमें ये जानकर बहुत दुख होगा कि आप भूल गए हैं। ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि फैंटेसी में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट होने वाली थी और अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। अगला कम्युनिकेशन एक सिंगल ड्रैगन की तरफ से आया और उसकी भी बॉडी पर काफी चोटें लगी हुई थीं। वो जमीन पर गिरा और ऐसा लग रहा था कि अब वो मर ही जाएगा। उसकी बॉडी पेपर की तरह खुली और उस पर एक हार्ट ब्रेकिंग मैसेज लिखा हुआ था, वॉर गुड बाय दोस्तों। ये मैसेज डिलीवर होने के 2 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो लिड फिर से खुली और इस बार बॉक्स के अंदर से केवल एक व्हाइट हॉट फ्लेम निकली जिसका टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस होगा। डरे हुए रिसर्चर्स को उस बॉक्स के अंधेरे में से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। स्टाफ के कुछ मेंबर्स तो इमोशनल भी हो गए। उन्हें डर था कि वो अपनी आंखों के सामने फैंटेसी की डेथ देख रहे थे और बहुत मजबूत दिल वाले फाउंडेशन रिसर्चर्स और गाइड्स भी इस इवेंट से सहम गए थे। उस रात को 8 बजे बॉक्स से खूब सारा पेपर बाहर निकलने लगा। उसमें से ज्यादातर कटा, चला या फटा हुआ था। ऑफिशियल एग्जामिनेशन के बाद 1762-2 को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि फैंटेसी में युद्ध हो रहा था और फाउंडेशन के सबसे ताकतवर ग्रुप्स भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो बस इंतजार कर सकते थे कि इस पेपर क्राफ्टेड वॉर का नतीजा क्या होगा। अगले 6 हफ्तों तक बॉक्स खुलता और बंद होता रहा। उसमें से खूब सारा पेपर बाहर निकलता रहता है, लेकिन हर बार पेपर की क्वांटिटी कम होती जा रही थी। लेकिन डिस्टर्बिंग ये था कि अब बॉक्स के अंदर से मसल और टिश्यू जैसी दिखने वाली चीजें निकलने लगी थीं। रिसर्चर्स बहुत बेताबी से जानना चाहते थे कि अब फैंटेसी के अंदर क्या बचा था, लेकिन ये जो भी था काफी खतरे में था। पर अगले 7 महीनों के लिए बॉक्स बंद और इनएक्टिव हो गया। अगली बार जब बॉक्स एक्टिव हुआ तो ये कुछ अलग था। बॉक्स खुला लेकिन उसमें से एक भी ड्रैगन नहीं बाहर आया, पेपर भी नहीं खुला। इनफैक्ट रिसर्चर्स को लगा कि वो किसी पुराने पार्चमेंट का एक रोल था। उस पर लिखे हुए शब्द लगभग मिट गए थे और उस पर कुछ खून भी लगा हुआ था। साफ साफ समझ आ रहा था कि चीजें पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में थी। मैसेज ये था, दोस्तों क्या आप अभी भी हैं? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। फैंटेसी अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमारा घर चला गया है, जॉइंट्स मर चुके हैं, सेंट जॉर्ज मर चुके हैं, बर्ड्स उड़ गई हैं। हम आपके रूम को दफन करने जा रहे हैं। हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते, यह हमारा गुड बाय है। शायद किसी दिन आपकी फैमिली एक दूसरा रूम बना लेगी, ये एक हॉलो होप है, लेकिन हम इस थॉट को हमेशा याद रखेंगे। 1 घंटे बाद उस बॉक्स से घना धुआं निकलने लगा। एक मोमेंट के लिए रिसर्चर्स को ऐसा लगा कि शायद ड्रैगन्स वापस आ रहे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बॉक्स फटने लगा, ऐसे कोलैप्स हो रहा था जैसे अंदर आग जल रही हो। बॉक्स के कुछ हिस्से जलने लगे और छोटे छोटे छेद होने लगे। बॉक्स पर जो वर्ड्स लिखे थे, हेयर बी ड्रैगन्स, वो भी जलकर राख हो गए। कुछ देर बाद बॉक्स के अंदर से एक और मैसेज आया। ये एक पेपिरस स्क्रॉल था जिस पर पेड़ों और झरनों का एक खूबसूरत सा लैंडस्केप हाथ से ड्रॉ किया गया था। कुछ दूरी पर एक ड्रैगन भी उड़ रहा था। उसके पीछे एक मैसेज लिखा हुआ था, मास्टर कहते हैं कि हम अब आपसे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। एक समय पर हम एक दूसरे के मन में रहते थे, हमारे ड्रीम्स और गोल्स थे। ये दुखद है कि अब हमें जाना होगा। मास्टर कहते हैं कि वो हमारे लिए एक नई फैंटेसी बनाएंगे और आप उसका हिस्सा नहीं हो सकते। हम बहुत दुखी हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। हमें भी डर लग रहा है कि आप हमें भूल जाएंगे। जब इस डॉक्यूमेंट को हटाया गया तो बॉक्स से खारा पानी लीक होने लगा और जलने के स्कार्स हील होने लगे। कुछ मिनट बाद बॉक्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गया। बस एक फर्क था, जो हेयर बी ड्रैगन्स वाला टेक्स्ट था उसकी जगह अब लिखा हुआ था, हेयर फॉर ड्रैगन्स। जेबरवॉकी इवेंट अब खत्म हो चुका था, वो बॉक्स भी न्यूट्रलाइज हो गया था और एक याद के तौर पर उसे योशिहिरो ताकेनाकास के ऑफिस में रख दिया गया। फिर उसके अंदर से कोई मैसेज नहीं आया, ऐसा हमें लग रहा था। 2015 में SCP-1762 ने
हमसे एक बार और बातचीत की। बॉक्स हिला और उसमें से पर्पल धुआं निकला और फिर वो जमीन पर गिर गया। उसमें से दो चीजें बाहर आई, एक पर्पल क्रिस्टल जो एमेथिस्ट था और एक बड़ी सी लेदर बाउंड बुक। 40 मिनट तक उस बॉक्स में से धुआं निकलता रहा। उस एमेथिस्ट पर केवल एक मैसेज कुरेदा हुआ था, एक आखिरी बार। और बुक के बारे में क्या, फैंटेसी के जीवों का सबसे बड़ा डर यह था कि एक दिन उन्हें भुला दिया जाएगा। ये बुक फैंटेसी के जीवों की एक कैटलॉग है। इसमें उनके खूबसूरत दुनिया के तौर तरीकों के बारे में लिखा गया है। उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। एक दिन हम उनकी कहानियां बताएंगे। अब चाहिए SCP-097, दिस डियर वेल और SCP-3000 अनंत शीशा भी चेक कीजिए।